पूरा मामला इटावा जनपद के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, जहां एक कार चालक को गाड़ी का इंडिकेटर देने के बाद भी कार चालक को महंगा पड़ गया। गुंडों ने अपनी गुंडागर्दी उस वक्त दिखाई जब कार से जा रहे रविंद्र ने अपनी कार को मैरिज होम में मोड़ने के लिए इंडिकेटर दिया, जिसके बाद बाइक से निकल रहे कुछ युवक कार को मोड़ रहे चालक को उल्टा ही महंगा पड़ गया। कार चालक के कार से उतरते हैं, जिसके बाद बाइक सवार बाइक से उतरकर कुछ गुंडे आते हैं। बिना कुछ बात किए ही कार चालक व उसके साथियों की जमकर पिटाई शुरू कर देते हैं। मैरिज होम के मालिक बचाने के लिए भी आते हैं तो गुंडे उनसे भी मारपीट शुरू कर देते हैं। मैरिज होम के संचालक ने पुलिस को सूचना दी, जब तक पुलिस पहुंचे बाइक सवार गुंडे मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना मैरिज होम पर लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इटावा से राम कुमार की रिपोर्ट, एसकेएस न्यूज। राजीव जी, ये जो गेस्ट हाउस है किसका है? हमारा है। क्या बात हुई है, क्या मारपीट हुई है? ये 22 तारीख की घटना है, रात के लगभग 10:50 हो रहे होंगे लगभग। मैं अंदर बैठा हुआ था, ये लड़के हमारे ऊपर रहते हैं, टाटा इन्फो में काम करते हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो ये लोग गाड़ी लेकर बलेरो गाड़ी लेकर आए, तो हमने गेट खुलवाया, लड़के थे यहाँ पे रहते हैं काम कर रहे हैं, वो एक लोग यहाँ बैठे हुए थे, गेट खुलवाया तो वो लोग उसमें गाड़ी में जो लड़के बैठे हुए थे उनको मारते हुए लाए अंदर, फिर उनको उन्होंने छोड़ दिया, फिर मेरे को मारने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कुर्सी उठाई और मेरे को मारने लगे, वो सारे लोग मारने लगे, और उन बच्चों को जो यहाँ पे थे टाटा इनको मारे, उन लोगों को भी मारा, उन लोगों ने पंखा उठा के मारा, दारू पिए हुए थे, गाले बोले कि जान को मार देंगे, ये बोले। क्या नशे वशे में थे? कितने लोग थे तकरीबन? लगभग सर ऐसे 6 लोग थे, अंदर आए थे लगभग, हमें देखे यहाँ पे। उन लोगों की पहचान हुई? पहचान नहीं कर पा रहे सर, लाइट थी नहीं, हल्का सा जो इन्वेटर का वो था वो जल रहा था, उससे समझ नहीं आया था। आपने कोई नज़दीकी थाना वगैरह में किसी को सूचना दी? साहब क्या नाम है मैडम आपका? उपासना। ये क्या बात हुई थी उस समय? मतलब ऐसा हुआ कि जैसे हम सूरज भैया को छोड़ने गए थे, हाँ, तो सूरज भैया को जैसे छोड़ के आए हम लोग, वैसे ही यहाँ से हम लोग अपने रूम पे आए लक्ष्मण वाटिका में, तो हम लोगों ने गाड़ी मोड़ाई तो उनकी बाइक काफ़ी दूर से आ रही थी, पहले तो हमारी गाड़ी खड़ी हो गई, उसके बाद में खड़ी होने के बाद में जब हम लोगों ने यहाँ अपने रूम पे लेनी चाहिए गाड़ी, फील्ड में खड़ी करनी चाहिए, तो उनकी उधर से बाइक आ रही थी, तो काफ़ी दूर पे थी, कम से कम फर्नीचर की दुकान से। उसके बाद में वो लोग बाइक रुकाई, उन लोगों ने काफ़ी, दो गाड़ी पहले आगे निकल चुकी थी, तीसरी गाड़ी थी पीछे, तो वहाँ से उसने रुकाई गाड़ी, तो जो भैया है हमारे जो ड्राइवर, तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर से कहा उन्होंने बाइक वालों ने कि अभी मर जाता, मतलब भगवान की कृपा से बचे, मतलब काफ़ी बात हुई तो कोई लफड़ा नहीं हुआ। हमारे जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने कहा कि मतलब कोई बात नहीं है कि चलो मेरी गलती है, तो सारा लफड़ा ख़त्म हो गया। उसने ये पूछा दूसरी वाली बाइक ने कि कौन सी जगह है, कि लक्ष्मी वाटिका है, तो जो हमारे क्या नाम उनका, हाँ, तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया ड्राइवर? सोम भैया ने कहा कि लक्ष्मण वाटिका अभी राजीव अंकल को बताने जा रहे, मतलब क्या है, हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि अभी तुझे बताते हैं, तो उन्होंने मतलब जैसे ही लक्ष्मण वाटिका का नाम सुना, राजीव अंकल का नाम सुना, वैसे लोग अंदर चले आए, हम लोगों ने गेट खोला, वैसे अंदर चले आए वो लोग, पहले तो सबसे पहले राजीव अंकल को मारा, उसके बाद में फिर शिवम भैया को मारा, तो बात ये हुई थी। अच्छा, उसके आप कहाँ पे थे उस वक्त? हम साथ ही में थे, गाड़ी के अंदर बैठी थी? नहीं, गाड़ी से उतर आए थे हम भी, हम भी बचाने की कोशिश करते। कितने लोग थे? क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। शिवम, क्या बात हुई थी, क्या घटना हुई थी, किसने पीटा था? मैं उधर से आ रहा था भरतना चौराहे की तरफ से, ठीक है, वो लोग तीन लोग थे, तीन बाइकें थी, पहले एक बाइक निकल गई, मैंने इंडिकेटर दिया ड्राइवर ने मेरी, तो मैंने देखा वो बोले कि वो, मैंने आगे गेट यहाँ पे गाड़ी खड़ी की, तीनों लोग निकले, एक लोग बाइक उधर खड़ी करके इनसे बात कुछ करने लगे ड्राइवर, मैंने गेट खोला, गेट खोलने के बाद में हम गए वापस, तो मैंने ड्राइवर से बोला गाड़ी अंदर खड़ी, बस इतनी बात हुई, कोई बात ही नहीं हुई। और उधर से जो बाइक आई लौट के बाद भरतना चौराहे की तरफ से, उसने आते हुए सीधा अपना गमछा एकदम वैसा किया और सीधा हमको चिपटते हुए चले आए। मैंने भैया से बोला, राजू भैया ये देखो कौन है, उसने ये पूछा ये जगह कौन सी है, एक उसमें बोला लक्ष्मण वाटिका है, बस इतनी बात ही। तो हमने अंदर आए, हमने भैया देखो ये कौन लोग हैं, बस इतने में
पहले हमसे चिपटे चिपटने, हम तो दूर हो गए, भैया एकदम खड़े हो गए, तो भैया हमसे लंबे, इनको पहले वो लिपट गए। लिपटने के बाद में और एक सर थे, उनको पहले मारा, उसके बाद में भैया को लिपटे और उधर उस साइड में पहुँचे तो उन्होंने पहले फिर मेरे ऊपर हाथ हाथापाई चालू कर दी, पंखा फेंक के मारा, वो लग गया, और भैया को कुर्सी मार दी और कुर्सी उसी तोड़ दी। तो इंडिकेटर देने के बावजूद उन्होंने गुंडागर्दी खाई? हाँ सर, उसमें वीडियो देख लीजिए, जो सीसीटीवी कैमरे में है, इंडिकेटर है सर। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग? वो लोग 5-6 लोग थे सर। क्या दारू के नशे में थे? दारू के नशे। रमाकांत, क्या घटना हुई थी रात में, क्या हुआ था? वो सर मैं लगभग समय था 10:48 या 50 के लगभग था, मैं आया था स्टेशन से अपने बच्चे को छोड़, तो कुछ लोग ने इधर से आया था कदम भतना चौराहे की तरफ से, तो वो आ रहे थे क्या नाम चित भवन की तरफ से, पार्टी थी, तो मैंने अब इंडिकेटर दे रखा था इसके लिए आने के लिए मिशन भटका के लिए, तो वो लोग आए, एक बाइक तो आगे निकल गई, दूसरी बाइक आई, उन्होंने गाड़ी रुकवा दी मेरी, बोले तुमने इंडिकेटर नहीं दिया। हमने कि सर मैंने इंडिकेटर दिया है। बोले नहीं दिया, ज़बरदस्ती बोले नहीं दिया, हमें सर मेरी गलती है, चलो मैं नहीं दिया है। खैर एक बाइक जो आगे निकल गई वो आई वापस, आके उन लोगों ने हमसे झगड़ा ज़बरदस्ती, मारा पीटी की, और मैं जानता नहीं उनको, और वो चले गए। कितने लोग थे वो? लगभग 5-6 लोग थे।